हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी विथ रेनू में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने 7 जुलाई 2024 को जो सुबह की पीरियड में सी टेट का एग्ज़ाम हुआ था पेपर सेकेंड का, आज मैं उसमें भाषा फर्स्ट का हिंदी का क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। तो आइए देखते हैं किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है और आपका आप अपने बुकलेट के हिसाब से उसको मिला लीजिएगा। पहले हम लोगों के सामने गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उस क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा साहित्य कालजयी साहित्य बन जाता है? तो इसका उत्तर होगा जो मानवीय सत्य की व्याख्या करें। अगला क्वेश्चन है, कालजयी से तात्पर्य है? इसका सही उत्तर होगा हर काल में प्रासंगिक हो। अगला क्वेश्चन है, किस तरह से साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है? तो इसका सही उत्तर होगा जो समाज को जागरूक करते हैं। अगला क्वेश्चन है, साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया है? तो इसका सही उत्तर होगा पतन की ओर जाता हुआ समाज। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है? तो इसका सही उत्तर होगा मूल्यों के बिखरने की। अगला क्वेश्चन है, वि श्रृंखलित में प्रत्यय है? इसका सही उत्तर होगा इत प्रत्यय। समाज के बदतर होने की स्थिति वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर होगा अत्यधिक बुरा। अगला क्वेश्चन है, विश्वास शब्द का अर्थ है? इसका सही उत्तर होगा निश्चित धारणा। अगला क्वेश्चन है, समाज को गति प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर होगा साहित्य। अभी तक हम गद्यांश के क्वेश्चन को देख लिए हैं, अब आगे पद्यांश से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आइए उसको देखते हैं। दिवावसान का संधि विच्छेद होगा दिवस प्लस अवसान। अगला क्वेश्चन है, पद्यांश में किसका चित्रण हुआ है? इसका सही उत्तर होगा प्रकृति का। अगला क्वेश्चन है, हृदय राज की रानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका सही उत्तर होगा संध्या। अगला क्वेश्चन है, संध्या सुंदरी किस तरह से आकाश में उतर रही है? तो इसका सही उत्तर होगा सूर्य की लालिमा भरे आकाश में। अगला क्वेश्चन है, किसके हंसने की बात की गई है? इसका सही उत्तर होगा तारा। पद्यांश में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा मानवीकरण। अध्यापकों, शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेस्ट का आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भाषा परीक्षण का प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, विद्यालयों को योगात्मक द्विभाषा का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि इसका सही उत्तर होगा बच्चे की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है। अगला क्वेश्चन है, भाषागत कार्य जैसे स्वर शैली, तान, बालाघात और लय को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अगला क्वेश्चन है, भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी भारतीय उपमहाद्वीप की लोक भाषा है। अगला क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं, इस तरीके से भाषा सीखना क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सहयोगात्मक अधिगम। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट में जुड़ी शब्द संपदा से विपरीत कराने वाला काम किया, इस पाठ का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा समलोचनात्मक चिंतन विकसित करना। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा व्यवहारवादी।
अगला क्वेश्चन है, किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सेटिंग। अगला क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों के एक समूह को ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर, मकान मालिक और किरायेदार का अभिनय करने के लिए कहा और शेष विद्यार्थियों से कहा कि इस अभिनय में देखें और वार्तालाप का आनंद लें। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा अभिनय की कक्षा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा पाँच की भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे कि समाचार पत्र, भोजन तालिका और रेल यात्रा के टिकट आदि लाती है। वह अधिगम के लिए क्या कर रही है? तो इसका सही उत्तर होगा वह अधिगम को और अधिक वास्तविक तथा उपयोगी बनाने के लिए प्रमाणिक सामग्री का प्रयोग कर रही है। अगला क्वेश्चन है, किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा वक्ताओं का जेंडर, बोलने वाले महिला हैं या पुरुष हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है? तो इसका सही उत्तर होगा संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित होती है। अगला क्वेश्चन है, भाषा के कौन से कौशल ग्राह्य कौशल हैं? तो भाषा के कौन से कौशल ग्राह्य कौशल हैं? तो इसका सही उत्तर होगा श्रवण और पठन। अगला क्वेश्चन है, श्रवण में क्या शामिल है? तो इसका सही उत्तर होगा ध्वनियों की पहचान करना और उनसे अर्थ निकालना। अगला क्वेश्चन है, कॉलम ए में भाषा शिक्षण विधियां हैं तथा और कॉलम बी में उनकी समझ या संबंधित गतिविधियों विधियां हैं, मिलान करें। तो इसमें दिया हुआ है, कॉलम ए में दिया हुआ है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, प्रत्यक्ष शिक्षण, व्याकरण अनुवाद और वेस्ट की नवीन विधि, और कॉलम बी में दिया हुआ है सामाजिक रूप से स्वीकृत और संदर्भ के अनुरूप भाषा, मौन पठन, लिखित साहित्यिक सामग्री, व्याकरण को आगमनात्मक तरीके से पढ़ना। तो इसमें पहला का फर्स्ट सही होगा, पहला संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का होगा सामाजिक रूप से स्वीकृत और संदर्भ के रूप में के अनुरूप भाषा, इसमें जो कि पहला का फर्स्ट जिसमें सही होगा वही सही उत्तर होगा हमारा। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन ए। तो दोस्तों अपने बुकलेट से मिला लें और आपका कितना क्वेश्चन हिंदी में सही होता है ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अब सामाजिक विज्ञान के क्लास में।